ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड, आप लोगों को तो पता ही है ना कि वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी है, और कब तक वोटिंग लाइन ओपन है मे बी शायद आप लोगों को ये भी पता होगा। अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने कमेंट में भी आप बहुत सारे कमेंट्स कर सकते हो, तो 2000 लाइक्स जो है इस वीडियो को कर दो कि मैं बता दूँ कि आखिरकार वोटिंग लाइन कब तक ओपन है। तो ओपन इसलिए है कि मिड नाइट एविक्शन होगा, और दूसरी बात ये है कि भाई मुनावर मनारा और अभिषेक तो जाने वाले हैं नहीं, पर ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में कौन सबसे पहले है चलिए देखते हैं, नज़र डालते हैं। और सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो पहले नंबर पे है मुनावर फारूखी, तो दूसरा नंबर पे है अभिषेक कुमार। मैं कैसे बोल रही हूँ मुझे नहीं पता क्यों बोल रही हूँ ऐसा। पहले नंबर पे है मुनावर, दूसरे नंबर पे है अभिषेक, तीसरे नंबर पे है मनारा, चौथे नंबर पे है अंकिता, पांचवें नंबर पे है विकी, और छठवें नंबर पे है अरुण। तो यानी कि अरुण भैया का पत्ता साफ होने वाला है। पर अगर पिछले बार के हिसाब से देखें क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड और सब चीज़ें, आयशा को विकी भैया से ज़्यादा ही वोट मिली थी, फिर भी जो है आयशा को बाहर निकाल दिया गया। किसके? जो जनता को अंदर बुलाया गया उन्होंने वोट जो है उनको दी ज़्यादा लोगों की, कि वो रहने के लायक है, पर आयशा नहीं निकल गई। आयशा जनता के ही आधार पर, वोटिंग के आधार पर जो है ईशा को कम वोट आए विक्की से भी, इसके आधार पर इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, जो कि मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ईशा को ज़्यादा वोट आए थे और ये सब दिखाई भी दे रहा था। मैंने वोटिंग ट्रेंड आपको क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड भी दिखाया था, बट उनको अंकिता को जिस तरीके से फेवर कर रहे हैं तो पति को तो लेके जाएंगे ही, और मीडिया राउंड तो करवाना था। अगर विक्की भैया चले जाते तो मीडिया आखिरकार चटपटे मसाले क्वेश्चन आखिरकार किससे पूछती, तो ये भी जो है रखा गया सामने। तो अब जो है विक्की भैया का अरुण का जाना मिडनाइट में कंफर्म है, जिस तरीके से दिखाई दे रहा सब प्रेडिक्टेबल है भाई। हाँ अरुण जाएंगे अरुण जाएंगे अरुण जाएंगे, पर जो चीज़ें प्रेडिक्टेबल है उससे उल्टा जो है बिग बॉस कर रहे हैं। तो या तो विक्की भैया या तो अरुण, दोनों में से कोई जा सकता है। 95% अरुण भैया जाएंगे और 5% बच्चा, 5% जाने के चांस विक्की भैया के हैं। आप क्या क्या कहना है बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।